हेलो गाइस, मैं हूं अदनान। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग रिले की सर्किट बनाएंगे, कैसे रिले को आर्डिनो से ऑपरेट करते हैं विद ब्लॉक कोडिंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने टिंकर कैड का डैशबोर्ड ओपन कर दिया है। यहाँ पास हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है आर्डिनो विद रिले मॉड्यूल। रिले हमारा एसी सप्लाई को ऑपरेट करता है। यहाँ से हम कंपोनेंट सर्च करेंगे आर्डिनो। हमने आर्डिनो यूएनओ R3 ले लिया है। ये हमारा कंट्रोलर है। अब हम यहाँ पास रिले लेंगे। ये ब्लैक वाला रिले हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। रिले क्या करेगा, हमारी एसी बल्ब को ऑपरेट करता है। आर्डिनो रिले को सिग्नल देगा, रिले बल्ब को सिग्नल देगा। जब हम आर्डिनो से रिले को ऑन करेंगे तो उसी टाइम रिले भी बल्ब को ऑन कर देगा। आर्डिनो 5 वोल्ट होता है। रिले हमारा ऑपरेट कितने होगा, 220 वोल्ट को ऑपरेट करेगा। अब एक बल्ब लेते हैं यहाँ पास, एसी बल्ब। ये हमने एक बल्ब ले लिया है और एक सप्लाई ले लेंगे, पावर सप्लाई। पावर टाइप करेंगे, स्पेस सप्लाई टाइप करेंगे, तो ये हमारी आ गई पावर सप्लाई। कैसे आर्डिनो रिले को ऑपरेट करेगा और रिले बल्ब को ऑपरेट करेगा। कनेक्शन करते हैं। ये नेगेटिव को हम लोग बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। एसी सप्लाई में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, तो किसी भी टर्मिनल में हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सप्लाई की एसी टर्मिनल हम लोग रिले की 12 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये हमने 12 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसको रेड से डिनोट कर देंगे। अब इसी तरीके से टर्मिनल 8 है। टर्मिनल 8 हम लोग आर्डिनो की पिन से कनेक्ट करेंगे। हमने आर्डिनो की 4 पिन से कनेक्ट कर दिया टर्मिनल 8। इसी तरीके से ये देखिए टर्मिनल 5 है, टर्मिनल 5 और टर्मिनल 6। टर्मिनल 6 हम लोग बल्ब की पिन से कनेक्ट कर देंगे और ये रेड है। देखिए रिले क्या करेगा, इसके अंदर ही सप्लाई को पास करेगा। इस पावर सप्लाई को इस पावर सप्लाई से अटैच कर देगा। जब हम यहाँ से सिग्नल देंगे आर्डिनो से, तो सप्लाई अंदर ही अंदर ये अटैच कर देगा। जब सिग्नल आर्डिनो से नहीं जाएगा तो सिग्नल को कट कर देगा। अब टर्मिनल फाइव को हम लोग आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे। देखिए रिले की बदौलत ही हम लोग एसी सप्लाई को आर्डिनो से ऑपरेट करते हैं। अगर रिले नहीं होगा तो हम एसी सप्लाई ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्डिनो 5 वोल्ट डीसी पे है। एसी सप्लाई 220 वोल्ट एसी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ऑपरेट रिले ऑपरेट करता है एसी सप्लाई को। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। इस ग्राउंड को हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड से रिले को ऑपरेट करेंगे। कोड पे क्लिक करते हैं और ब्लॉक पे सेलेक्ट रहने देंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जिस तरीके से हमने LED का कोड किया था, उसी तरीके हम लोग रिले का कोड करेंगे। तो सेट इनपुट को यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर पिन हमने रिले की 4 पिन सेलेक्ट की है, तो यहाँ 4 कर देंगे। अब यहाँ हाई है। अब देखिए स्टार्ट सिमुलेट करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए बल्ब ऑन हो गया। फिर स्टॉप करेंगे। इसी रिले को हम लोग ऑपरेट करेंगे डिले से। तो अब हम लोग कंट्रोल पे क्लिक करिए, 1 सेकेंड का डिले हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर आउटपुट में जाके सेट इनपुट ब्लॉक, सेट पिन 4 और यहाँ लो कर देंगे और कंट्रोल में जाके 1 सेकेंड का डिले लेंगे। अब क्या होगा, 1 सेकेंड के लिए बल्ब ऑन होगा और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑन ऑफ। रिले ऐसा स्विच वर्क करता है। जो हमारे घर में स्विच होती है उसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। रिले क्या होती है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है। आप इसको वायरलेसली ऑपरेट करेंगे तो वायरलेस आपको ऑटोमेशन बन जाएगा। इसको बहुत से तरीके से बहुत सी जगह यूज़ भी होते हैं। अभी हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट में रिले का यूज़ करके और बहुत सारा ही प्रोजेक्ट बनाएंगे।
आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले ट्यूटोरियल में और भी बहुत सी चीज़ सीखेंगे। गाइस, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।